पहली बार कब लगी थी आचार संहिता? क्या है आचार संहिता का इतिहास? क्या होती है आचार संहिता? अक्सर आपने देश में चुनावी माहौल में सुना होगा कि इलेक्शन कमीशन ने फला राज्य में या देश में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, लिहाजा वहां अब आदर्श आचार संहिता लगा दी गई है। वैसे यहां आपको बता दें कि चुनावों की प्रक्रिया से पहले कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं, उन्हीं नियमों को आदर्श आचार संहिता भी कहा जाता है। आपको बता दें कि जो भी पार्टी या व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है उसके खिलाफ दंडनीय कार्यवाही भी की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देश में पहली बार आचार संहिता कब लगी थी और ये कहां से शुरू हुई थी, और साथ ही ये कि एक बार लगने के बाद ये कब तक लागू रहती है? वैसे अगर देश के राजनीतिक दृष्टिकोण से इस पर नजर डालें तो देश में आदर्श आचार संहिता की शुरुआत 1960 के केरल विधानसभा चुनाव से हुई। कहा जाता है कि शुरू में ये सामान्य से दिशा निर्देश थे कि क्या करें और क्या ना करें। उस समय देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे केवीके सुंदरम। कल्याण सुंदरम देश के पहले विधि सचिव और दूसरे चुनाव आयुक्त थे। 1962 के आम चुनाव में आयोग ने इस कोड को सभी मान्यता प्राप्त दलों को सौंपा। साथ ही सभी राज्य सरकारों के पास इसकी प्रति भेज दी गई और अनुरोध किया गया कि इस पर राजनीतिक दलों की स्वीकृति प्राप्त करें, और धीरे धीरे ये परंपरा पुष्ट होती गई जिसका पालन चुनाव आयोग और राजनीतिक पार्टियां आज भी करती हैं। लेकिन यह आपको ये जरूर बता दें कि भले ही देश में 1962 को पहली बार आचार संहिता लगाई गई हो, लेकिन इसकी शुरुआत अब से नहीं बल्कि कई सौ वर्षों पहले से हो चुकी थी। यानी जो नियम अब बने हैं वो हमारे देश के इतिहास में पहले से ही बने हुए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि ये आचार संहिता का क्या है असली इतिहास। तो अगर इतिहास को सही से खंगाला जाए तो इसको पता चलेगा कि हमारे देश में आचार संहिता का प्रावधान सदियों पुराना है। जी हाँ, लगभग 1200 साल पुराना। बिल्कुल सही। और इस बात का प्रमाण है तमिलनाडु में कांचीपुरम से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित कस्बे उथिरामेरूर में बैकुंठ पेरुमल मंदिर। उथिरामेरू का इतिहास लगभग 250 साल पुराना है और इसे देश के प्राचीनतम तीर्थस्थलों में से एक माना जाता है। और इसी कस्बे के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर के चबूतरे की दीवारों पर 920 ईस्वी के आसपास चोल वंश का राज्यादेश दर्ज है। इन राज्यादेशों में जो प्रावधान दिए गए हैं उनमें से कई का पालन हमारी आज की आदर्श आचार चुनाव संहिता में भी होता है। बता दें कि सदियों पहले उथिरामेरूर के 30 वार्डों से 30 प्रतिनिधियों का चुनाव बैलेट सिस्टम से करवाया जाता था। एक निश्चित दिन पर बच्चों, महिलाओं सहित सभी लोग ग्राम सभा मंडप में उपस्थित होते थे। कहते हैं कि सिर्फ बीमार और तीर्थ यात्रा पर आए लोगों को छूट दी जाती थी। ताड़ के पत्तों पर प्रत्याशियों के नाम लिखकर एक मटके में डाल दिए जाते थे। इसके बाद देखा जाता था कि सबसे ज्यादा किसके नाम के ताड़ के पत्र हैं और उसे ही विजेता घोषित किया जाता था। किसी भी वर्ग के लोग चुनाव में भाग ले सकते थे और फिर 30 निर्वाचित लोगों में से योग्यता के अनुसार अलग समिति बनाई जाती थी, जैसे सिंचाई, तालाब, बाग, परिवहन, स्वर्ण परीक्षण व व्यापार, कृषि, सूखा राहत आदि के लिए। मंदिर के चबूतरों पर अंकित राज्यादेश के मुताबिक उस समय कार्यकाल एक साल का होता था। अगर कोई पद पर रहते हुए घूसखोरी करता था या अन्य कोई आपराधिक करता था तो उन्हें बीच में ही कार्यकाल से हटा दिया जाता था। इसे आप राइट टू रिकॉल प्रक्रिया के तहत समझ सकते हैं। ये थे नियम। प्रत्याशी का शिक्षित और ईमानदार होना सबसे बड़ी योग्यता थी। घूसखोरी और अविवेचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 35 से और अधिकतम आयु 70 साल की थी। प्रत्याशी का ईमानदारी से कर देना अनिवार्य था। आय, खर्च, संपत्ति का ब्यौरा देने वाले को ही चुनाव में भाग लेने की अनुमति थी। पद पर रहते हुए रिश्वत लेने वाले या भ्रष्टाचार करने पर परिवार व सभी रिश्तेदार ताउम्र चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाते थे। दुष्कर्म करने वाला या अभिचार करने वाला 7 पीड़ितों तक चुनाव नहीं लड़ सकता था। अवैध संबंध रखना, हत्या, मदरापान, चोरी, अतिक्रमण, ठगी पर भी ताउम्र अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। यहां आपको यह भी बता दें कि यहां रहने वाले कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि 1988 में राजीव गांधी इस मंदिर में दर्शन के लिए आए थे और तब एक पुजारी ने उन्हें इन राज्यादेशों को अनुवाद करके बताया था।
राजीव गांधी इससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इस सिस्टम को समझने के लिए अधिकारी भी भेजे थे। मंदिर के चबूतरे के चारों तरफ 25 राज्यादेश दर्ज हैं। आज भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी इस मंदिर में आशीर्वाद लेने आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।